पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज है सैटरडे और मैं इस वक्त किचन से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं अभी बना रही हूँ ओट्स पंकज के लिए और चाय मेरे लिए और मम्मा के लिए। एंड उसके बाद क्या है, लंच का प्रिपरेशन करेंगे, लाइक यू नो भाजी। आज क्योंकि वेज है, प्योर वेज है मेरे लिए स्पेशली, तो आज दाल, सिंपल दाल, राइस एंड सब्जी मैं करूँगी विदाउट ऑनियन एंड गार्लिक। सो इन दिनों मैंने व्लॉग नहीं बनाया, ऐसा नहीं कि मैंने स्टार्ट नहीं किया, व्लॉग बनाना स्टार्ट किया पर मैंने प्रॉपर तरीके से बनाई नहीं और मन ही नहीं किया एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो पंकज के बर्थडे मतलब 24th के बाद मैंने व्लॉग किया नहीं। कल भी मैंने शुरू की थी पर हुआ नहीं। एंड कल हम लोग गए थे कानकौन क्योंकि हमारा शिगमो था। सो कल रात को गए थे और आज सुबह हम लोग आ गए थे। तो सुबह कितने बजे उठी थी, आई थिंक 4:45 उठी थी। सो 4:45 उठी, सुबह से अभी भी जगी हुई हूँ। सो पूरा कोशिश कर रही हूँ कि आज जागी रहूँ, दैट रात को यू नो जल्दी सो और सुबह जल्दी उठ सकूँ। सो ये जो फिर से जो गड़बड़ी हो गई है ना, इसको मैं प्रॉपर कर सकूँ। सो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आप लोगों से। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक। सो अभी टाइम तो देख ही सकते हैं, 9 बज रहे हैं एंड मैं इस वक्त बना रही हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि घर आने के बाद मैंने चाय नहीं बनाई। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बहुत ज्यादा अपसेट हो चुकी थी बिकॉज मेरे एक्चुअली फोन का पता नहीं क्या कि मेमोरी फुल हो चुका था, ना ही था कोई वीडियोस, क्योंकि मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ, एडिट करती हूँ, अपलोड करने के बाद डिलीट कर देती हूँ क्योंकि फोन में स्पेस रहे। एंड मैं गिने चुने कुछ ऐप एप्लीकेशन मतलब यू नो एप्स जो है मेरा इंस्टॉल है, तो एक अदर बोल के यू नो स्टोरेज था जहाँ पे 99 GB यू नो कैप्चर मतलब 128 GB है मेरा इंटरनल मेमोरी, जहाँ पे मेरा यूज किया हुआ है कुछ 35 और 38 GB ओनली, ठीक है। सो आउट ऑफ 128 GB से 38 GB मैंने यूज किए पर फिर भी 99 शो कर रहा था यू नो किसी अदर बोल के। तो बाद में पंकज ने एक क्या बोलते हैं ऐप इंस्टॉल किया एंड देन उसको क्लियर किया, आई डोंट नो कौन सा ऐप इंस्टॉल किया, कैसे किया, क्या नहीं किया। सो फाइनली स्पेस मिल गया है जिसके वजह से मैं और कुछ शूट कर ही नहीं पा रही थी, बार बार बोल रहा था कि स्टोरेज फुल है, फुल है, फुल है। सो मैं बहुत ज्यादा अपसेट हो गई थी आज, ज्यादा तो मैं यू नो शूट नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ मेमोरी स्टोरेज की वजह से, जिसके वजह से मैं कैमरा ही ऑन नहीं कर पा रही थी। सो कैमरा ऑन कर रही थी पर वो स्टोरेज फुल तो वो शो कर रहा था। सो एनीवेज चलिए आज मैं आप लोगों के साथ ना वेज ऑब्वियसली होता है पराठा, मीन्स आलू का पराठा, बट इसमें विदाउट यू नो ऑनियन एंड गार्लिक मैं कैसे बनाती हूँ ये रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी बॉईल कर लिया है, इसमें कैरेट है, इसमें पोटैटो है एंड कॉलीफ्लावर है जो मैंने थोड़ा सा नमक डाल के मैंने बॉईल किया है। अब मैं इसे निकाल के एक प्लेट में रखूंगी जिससे इसका जो पानी है वो सूख जाए और यू नो ड्राई हो जाए थोड़ा, एंड देन मैं इसे स्मैश कर सकूं। पर मैं ये पानी फेंकूंगी नहीं, इस पानी का मैं बनाने वाली हूँ सूप, और सूप मैं कैसे बनाऊंगी वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो पहले इसे मैं निकाल लूं। सूप बनाने से पहले मैं ये जो है क्यूमिन शीड इसको थोड़ा सा यू नो क्या बोलते हैं फ्राई करती हूँ, उसके बाद इसका पाउडर मुझे बनाना है। तो देन जो अदरक है मुझे उसी में ही कूटना है, सो इसलिए पहले इसे मैं कर लूँ फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो सूप के लिए मैं ली हूँ कैरेट, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर, आई लव कॉलीफ्लावर एक्चुअली। सो चलिए अभी मैं पहले सूप का दिखा देती हूँ कि मैं उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड करने वाली हूँ। सो पानी में ऑलरेडी थोड़ा सा सॉल्ट है इसलिए मैं सॉल्ट अभी ऐड नहीं करूँगी, मैं एंड में चेक करूँगी देन ऐड करूँगी। सो इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा जिंजर,
इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगी ब्लैक पेपर और इसमें मैंने अभी ऐड कर दिया है वेजिटेबल्स। अभी इसे कुछ देर तक बॉईल करूंगी तब तक जब तक वेजिटेबल्स पक ना जाए। इसी बीच में थोड़ा सा ऐड करने वाली हूँ थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स, इसका अच्छा फ्लेवर आता है इसलिए। मैं पराठा बनाने के लिए, आलू पराठा बनाने के लिए ऑलरेडी मैंने मैदे का मैंने डो बना कर रखा है क्योंकि पहले अब मैदा ख़त्म कर लूँ, बहुत ज़्यादा मैदा है घर पे इसलिए। सो अभी आती हूँ इसमें जो इंग्रेडिएंट्स मैंने दिए हैं, पहले मैं फिर से रिपीट करती हूँ। मैंने इसमें पोटैटो कैरेट और कॉलीफ्लावर लिया है और उसके साथ साथ मैंने कोरिएंडर लीव्स और दो ग्रीन चिली भी ऐड की है चॉप्ड, और इसमें है जिंजर वो भी कुटा हुआ, एंड इसमें मैंने लिया है क्यूमिन शीड फेनल शीड जो कि है सौंफ, और हल्दी, चिली पाउडर, गरम मसाला, देन मैंने जो वो पाउडर किया था क्यूमिन शीड का वो, और इसमें है कोरिएंडर पाउडर एंड आई थिंक मैंने रेड चिली पाउडर बोला होगा, सो रेड चिली पाउडर भी मैंने डाला है। सो अभी मैं बना लेती हूँ पराठा, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक फ़ोन को कर लेती हूँ थोड़ा सा चार्ज। लुक एट मी, पूरा नहा के आई हूँ किचन से, ये वैसे मेरे पसीने का ही है। सो इतना पसीना पसीना हो गया होगा, मैं बिंदी निकालना ही भूल गई। एनीवेज, सो पहले तो इंसान सूप पीते हैं उसके बाद यू नो मेन कोर्स खाते हैं, मेरा ये उल्टा है। मैं पहले मेन कोर्स जो कि है पराठा एंड कुछ इस तरह दिख रहा है। बाय द वे थोड़ा इसका क्या बोलूँ, एंगल थोड़ा उलट पुलट हो गया है, मतलब प्रॉपर गोल नहीं हुआ है बिकॉज मैं रोज़ रोज़ तो पराठा बनाती नहीं हूँ, मैं रोटी भी नहीं बनाती हूँ। सो एनीवेज मेरा वैसे रोटी ना गोल होता है। सो टेस्ट करके बता रही हूँ कैसा हुआ है, एंड मैं अभी पसीने को सुखा रही हूँ पैन के नीचे। पंकज टेस्ट करोगे? गरम हो गया तुम्हारा? लो ना, सो यम। और हाँ, मैं एक्चुअली दिखाना भूल गई कि मैं सॉल्ट, बाय द वे शूट करने के बाद मैंने सॉल्ट ऐड किया था, तो सॉल्ट भी ऐड करना। कौन कहेगा कि विदाउट ऑनियन एंड गार्लिक है वेरी टेस्टी, एंड आई डोंट नो सूप कैसा हुआ होगा, सूप भी अच्छा ही हुआ होगा। और बाय द वे मैं आज मैं पंकज के मासी के घर गई थी, मतलब मेरी मासी सास उनके घर गई थी, मीन्स यू नो वो हैंडमेड मतलब होममेड ये हल्दी और चिली पाउडर बनवाते हैं, तो वो लाने गई थी, तो उन्होंने मेरे लिए पास्ता बनाया था। तो ठीक 12 बजे के बाद मैं पास्ता खाऊंगी क्योंकि पास्ता में है गार्लिक, सो अभी तो नहीं खा सकती, तो आई हैव टू वेट टिल 12। तब तक ये दो पराठा और सूप हजम हो जाएगा, और नहीं हुआ तो उछल उछल के मैं हजम कर लूँगी। दो मिनट से बकबक किए जा रही हूँ, चलिए हाँ घर में मिलती हूँ थोड़ी देर में। सामने टीवी चल रहा था इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि मैं टीवी देखते देखते सूप पी रही थी, एंड सूप भी अच्छा ही बना है। बट ये क्या बोलते हैं, गार्लिक के वजह से थोड़ा सा तीखा तीखा, सो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा गार्लिक का। हे गाइस, सो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मैंने सोचा था कि मैं पास्ता का भी रिव्यू दूंगी पर बहुत ज़्यादा ही लंबा खींच जाएगा मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने अभी तक एडिटिंग की नहीं है, एंड ऑब्वियसली कुकिंग मैंने शेयर किया है रेसिपी, तो आई थिंक थोड़ा लंबा हो जाएगा, खींच जाएगा। सो कल अगर ब्लॉग बनाई ना तो मैं कल के ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पास्ता कैसे बनाए, क्योंकि अभी 12 बजने में काफ़ी टाइम है, तो और ऐसा भी नहीं कि 12 बजने के बाद ही मैं खाऊंगी क्योंकि अभी मेरा पेट काफ़ी भर गया है। मैंने 2.5 पराठा खाई हूँ और मैंने सूप पिया अभी, तो मेरा पेट पूरा फुल हो चुका है। सो चलिए गाइस कल मिलते हैं। सो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, लाइक करें अगर कुछ भी मेरे व्लॉग में कुछ भी अगर पसंद आया, तो कल से मैं प्रॉपर तरीके से व्लॉग बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। सो
लाइक कमेंट शेयर भी करना, एंड मैं इंस्टाग्राम में भी हूँ, फेसबुक पे भी हूँ, तो चाहे तो वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो. ओके, बाय फॉर नाउ, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू.